साहसी पारस। साहस एक ऐसा गुण है जो हमें हमेशा उत्साह एवं जोश से भरा रखता है। साहसी व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना करके उस पर विजय पा सकता है। पारस 12 वर्ष का छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। उसके पिता अशोक शर्मा वन विभाग में अधिकारी थे। उनका तबादला कुछ महीने पहले ही गुजरात से लखनऊ हो गया था। वे परिवार को गुजरात में ही छोड़कर पहले ही जाकर कार्यभार संभाल चुके थे। अब वे कुछ दिन की छुट्टियां लेकर परिवार को लखनऊ ले जाने आए थे। अकेले रहने में उन्हें तथा उनके परिवार दोनों को ही परेशानी हो रही थी। गाड़ी अभी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म से छूटने ही वाली थी। उनके पास सामान भी बहुत था। गाड़ी के आते ही वे उसमें सवार हो गए। गाड़ी खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। पारस माता पिता का इकलौता लाड़ला बेटा था। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ जाते हैं, पर पारस बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पीछे उसके माता पिता का प्यार तथा अनुशासन था। पारस को संस्कारवान बनाने में उसके अध्यापकों का भी विशेष योगदान था। पारस को कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था, पर आम बच्चों की भांति परी कथाएं उसके मन को कभी लुभा नहीं पाई। उसे जासूसी कहानियाँ बेहद पसंद थीं। वह बहादुरी के किस्से सुनकर वैसा ही बनने के बारे में सोचा करता था। यही कारण था कि पारस स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। अभी रेलगाड़ी 2-3 स्टेशन ही पार कर पाई थी कि दो युवकों ने तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी तथा सारा कीमती सामान उन्हें सौंपने के लिए कहा। अचानक आई इस मुसीबत से सभी घबरा गए, लेकिन पारस का दिमाग अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। वह ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। लुटेरों ने बच्चा समझकर उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भयभीत यात्री अपना कीमती सामान और नकदी डकैतों के सम्मुख रखने लगे। यह सब देखकर पारस का खून खौल रहा था। उसने सुन भी रखा था कि सब कुछ लेकर भी लुटेरे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने ऊपर रखी अटैची अपने पूरे बल के साथ एक लुटेरे के सिर पर गिरा दी। इतनी भारी अटैची के गिरने से एक बदमाश तुरंत धराशायी हो गया। उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। पहले से सजग पारस के पिताजी ने लपक कर वह पिस्तौल उठा ली और दूसरे लुटेरे पर तान दी। यह सब देखकर यात्रियों में भी जोश जाग उठा। उन्होंने मिलकर दोनों लुटेरों को दबोच लिया। सभी यात्री पारस के साहस से प्रभावित थे। पारस ने बहादुरी दिखाकर न केवल सभी लोगों की जान बचाई, अपितु डरे हुए यात्रियों में भी साहस का संचार किया। सभी ने पारस की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी यात्री मुक्त कंठ से पारस के माता पिता को पारस जैसा साहसी पुत्र पाने पर बधाइयां दे रहे थे।